हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड इस महीने का जटकी कलेक्शन आ चुका है जो मैं आपको दिखाने वाली हूं, जिसमें मैंने लिए हैं 4 आइटम्स। उसमें से एक है ये साड़ी डिज़ाइनर वाली जो मैंने पहन रखी है एंड उसके अलावा 3 लहंगे हैं। एक्चुअली मैं सोचती हूँ जब शूट करूँगी ना तो मैं पहन के उसके बाद फटाफट से दूसरा चेंज करूँगी, लेकिन मैं एक पहनने के बाद दूसरा चेंज करने का भूल ही जाती हूँ कि मेरे को बाकी भी आपको दिखाने हैं, तो ट्रायल एक तो करना है। सो मैं इनकी प्रशंसा करने में डूब जाती हूँ, इसलिए मुझे जटकी के जो वीडियो है उनको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरा लुक बुक जो है आप लास्ट में देख लीजिएगा, पहले मैं आपको थोड़े डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स भी दिए हुए हैं, जो भी मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए वो सारे आइटम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड सबसे पहले है ये वाली साड़ी, ये डिज़ाइनर साड़ी है। इसका काम देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, एंड आपको ये देख के लग रहा होगा नेट है। नेट जनरली होता है जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, खुरदरा सा रहता है, लेकिन ये दूसरे टाइप का नेट है जो काफ़ी सॉफ्ट है। इसके ऊपर धागे से ये पूरा धागा बोलेंगे, कौन सा धागा है, मतलब बहुत ही मखमल वाला जैसा धागा नहीं होता है, उस धागे से करी हुई है ये पूरी कढ़ाई, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एंड पूरी ए टू जेड ऊपर से लेके मतलब पूरी 5 मीटर की साड़ी में आपको टोटल ये वर्क मिल जाएगा। एंड इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में अगर इसका सेम कलर का ब्लाउज दे देते ना तो इसमें इतना लुक नहीं आता, लेकिन इसका जो ब्लाउज दिया है वो भी डिफरेंट है क्योंकि सिलाया नहीं है, तो आई हैव टू वेयर समथिंग। तो इस बार हमेशा आप बोलते हैं कि आप टी शर्ट में ही जो है लहंगे दिखा देते हो, टी शर्ट पहन के, तो आई वाज लाइक कि चलो इस बार ब्लाउज पहनती। तो ये रेडीमेड वाला जो है पहनना निकालना बहुत ईजी, अदरवाइज तो हुक्स वुक्स लगाने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो ये वाला मैंने पहन लिया है। तो इसका ब्लाउज बहुत अमेजिंग है, पूरे जो साड़ी की शोभा है ना इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से ही जो है बहुत रिच होने वाली है। तो देखिए ये जो है इसका एक पीस है, एंड ज़्यादा आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा काम इस पर किया हुआ है। देन उसके ये जो है स्लीव्स है, लॉन्ग स्लीव्स दिए हैं, एंड दिस इज़ द ब्लाउज पीस। तो ब्लाउज पीस का जो पन्ना है वो भी काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि किसी को सफिशिएंट नहीं होगा। एंड उसके बाद आते हैं लहंगे। तो मुझे एक लहंगा तो देख के वो माधुरी दीक्षित वाला गाना याद आ गया, 1 2 3। तो मैं बात कर रही हूँ इस वाले लहंगे की, देखिए बताओ आपको भी याद आया कि नहीं, गाना आ रहा है ना याद, अंसी क्या चमक रहा है। ये फ्लेक्सिबल वाला है, इसके नीचे ये जो होता है वो तो लगा ही हुआ है, ये देखिए, जिससे नीचे का जो घेर है वो तो बना ही रहेगा। एंड इसके ऊपर ऐसे ये पत्ते वाला डिज़ाइन पूरे उस पर आए हुए हैं, एंड नीचे भी सेम ऐसे डिज़ाइन दिया हुआ है। सी दिस इज द ब्लाउज पीस, एंड ये है इसकी चुनरी, एंड देन दिस इज द नेक्स्ट लहंगा। ये मुझे काफ़ी टाइम से मैं लेना चाह रही थी, बहुत टाइम हो गया था, लेकिन कई बार जो है स्टॉक आउट हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है आप जितना उसके पीछे दौड़ते रहो उतने दूर भागती रहती है। तो फाइनली आई गॉट दिस, ये देखिए पूरा अच्छा खासा ऐसे डिज़ाइन दिया हुआ है, एंड सारे लहंगों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अंदर से भी बहुत स्मूथ है, ऊपर से भी एकदम अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जो चिपके हों वो निकल जाएंगे, अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी की हुई है या कुछ चिपकाया भी है, जो भी है वो एकदम परमानेंट वाला है, निकलने वाला कुछ भी नहीं है। एंड इसके ऊपर ये रिबन्स लगे हैं ना, ये इसकी ब्यूटी को बढ़ा देते हैं, एकदम डिफरेंट लुक है ये। एंड ये रहा इसका ब्लाउज पीस, ये देखो फुल स्लीव्स का दे रखा है इसके ऊपर भी, एंड इसका ये जो मटेरियल है सैटिन का है। एंड आई होप आप पीछे मछलियों को भी एंजॉय कर ही रहे हैं, राइट, कितने ब्यूटीफुल इधर उधर घूमती रहती है, टेल्स उनकी ऐसे से लहराती रहती है, अभी मैं लहंगा पहन के भी ऐसे ही लहराने वाली हूँ। एंड दिस इज द चुन्नी, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो डिज़ाइन कर रहा है वो ऐसे ही बैठ के, चलो किसी का कुछ लगा देते हैं, ऐसे नहीं लगाते हैं, हर किसी डिज़ाइन के पीछे बहुत मेहनत लगती है कि इसका फ्लेयर कैसा होना चाहिए, इसका शेप कैसा होना चाहिए, इसका कलर कैसा होना चाहिए, इस कलर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, चुन्नी कौन सी कलर की होगी, सो इट टेक्स अ लॉट। एंड नेक्स्ट वन इज दिस लहंगा। सो मैं देखो मैं इसमें डूब गई होगी, मुझे काफ़ी डाउट था कि ये जो क्या बोलते हैं ये नेट वाले जो लहंगे हैं मुझ पर अच्छे लगेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत फ्लफी होते हैं तो सूट करेगा कि नहीं, बट इसको पहनने के बाद आई फेल्ट कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड मुझ पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना ज़्यादा घेर है, इतना फ्लेयर है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये देखो इसकी पट्टी पे ऐसा डिज़ाइन है, एंड ये नेट के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, एंड ये है इसका ब्लाउज पीस, तो सब कटिंग के साथ आया हुआ है सब कुछ, स्लीव्स भी दिए हुए अच्छे खासे, एंड अगर आपको स्लीवलेस सिलाना है तो आप स्लीवलेस भी सिला सकते हैं। एंड इसमें सबसे ब्यूटीफुल है इसकी चुन्नी में इतना काम किया हुआ है,
ये देखो, ये देखो चुन्नी को जब हम ऐसे अगर लटक भी रहे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये तो था मेरा इस बार का झटकी कलेक्शन। कैसा लगा आपको, अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाइए। अच्छे बुरे कुछ भी चलेगा, कंस्ट्रक्टिव हो तो इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, कुछ और है तो इग्नोर कर देंगे, कुछ अच्छा है तो थोड़ा सा हंस लेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी लिख के जाइए। एंड उसके अलावा अगर आपको भी खरीदनी है ये ड्रेसेस या साड़ी या लहंगा कुछ भी, तो आप zatki.com विजिट कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक्स दिए हुए हैं जो जो मैंने ऑर्डर किए हैं। अगर आपको कुछ और टाइप के कुछ और कलर्स भी देखने हैं, आप zatki.com पे जाके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ साड़ीज, लहंगास, गाउन्स, कुर्तियाँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। जस्ट गिव अ क्लिक एंड यू विल रीच देयर ऑन zatki.com। सो मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना एंड आपका काम है डिसीजन लेना। सो मर्जी है आपकी, आपके हैं पैसे, रिक्वायरमेंट है तो खरीदो, नहीं है तो मत खरीदो, राइट? तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लुक बुक देखते हुए जाइए।